हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे मेरे स्टाइल में मैं वेज पुलाव कैसे बनाती हूँ। मुझे चाहिए प्याज, हरी मिर्च, टमाटर। मसाले में मुझे चाहिए हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। मुझे थोड़ा गरम मसाला भी चाहिए। गरम मसाला मैं एंड में यूज़ करूँगी। खड़े मसाले में मुझे चाहिए तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च और थोड़ी लौंग। ये मेरे बासमती राइस है, आप देख लीजिए। जो मैं रेगुलर बासमती राइस यूज़ करती हूँ वो है। इस डिश को बनाने के लिए मुझे सब्जी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सब्जियाँ बहुत चाहिए। मैं चावल कम और सब्जियाँ ज़्यादा डालती हूँ। आप देख लीजिए कितनी सारी सब्जी है। इसको मैं कुकर में बनाऊँगी। कुकर में पहले मैं थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ। अपने अकॉर्डिंग तेल डालिएगा, जितना आप यूज़ करते हैं उतना तेल डालिएगा। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें मैं सारे खड़े मसाले डाल दूंगी, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची वगैरह सब। ये सिप होने के बाद मैं इसमें सारी प्याज डाल दूंगी। प्याज देखिए अच्छे से भुन जाए। मैं ज़्यादा प्याज को वो नहीं करूँगी, पकाऊँगी नहीं। इसके बाद मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। आप देखिए कितने अच्छे से ये मिला दिए गए हैं। ये जब तक कुक होता है इसमें मैं सारे मसाले अपने ऐड कर दूंगी। जितने भी मेरे मसाले हैं सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दीजिए। आप देख लीजिए मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है अभी। इसको डालने के बाद आप देखिए तेल छोड़ दिया है मसालों ने। इसे अच्छे से पकने दीजिए। जो हमारी सारी वेजिटेबल्स थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप देखिए अच्छे से वेजिटेबल थोड़ी सी 5 मिनट के लिए मसाले में भून लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। उसे प्रेस करने से आने वाली मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें राइस और पानी, मेरे राइस 1 गिलास थे तो मैंने 2 गिलास पानी डाला था। 2 सीटी के बाद आप देखिए मेरे राइस बन चुके हैं। मैंने इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाई। 2 सीटी के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था। देखिए मेरे चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। देखिए ये रेगुलर ही राइस था जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, फिर भी ये राइस अच्छा बड़ा हो जाता है। मैं आपको ये प्लेट में डाल के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा है।